जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज हम जानते हैं एनडीए का रिजल्ट आया। हमारे पास एक कैरेट था जो कि मध्य प्रदेश से था, जिनका नाम था नितिन पुरोहित। उन्हें लास्ट ईयर ही द ट्रांसफॉर्मिंग कैरेट ऑफ द ईयर मिला था। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी के अलावा इंग्लिश का शब्द नहीं समझता था। उनके साथ रहने वाले हमारे सर जो कि इंग्लिश टीचर सुमित सर, जिन्होंने कई मेहनत किया उनके इंग्लिश पे, और आज उस बच्चे ने एनडीए रिजल्ट क्लियर किया। अब हम जानेंगे सुमित सर से उन्हीं के बारे में रिगार्डिंग नितिन पुरोहित। कल सबसे ज़्यादा पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नितिन ने ये चीज़ क्रैक की। एनडीए उसका सेकंड अटेम्प्ट था इस बार जब उसने वो क्रैक किया है। लास्ट अटेम्प्ट में उसका नहीं हो पाया था। वी यूज टू कॉल हिम एज द मैन फ्रॉम नीमच। वो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से बिलोंग करता है। जब वो आया था तो उसकी इंग्लिश में कमांड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसको एक एक शब्द काफ़ी डिफिकल्ट लगता था। वो हमेशा हिंदी में बातें करता था, सारे सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ता था और बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्टी होती थी। सर मैंने ऐसे भी देखा है कि वो बहुत बार आके ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग कि सर कैसे होगा, सब मेरा SSB आगे इंग्लिश में होगा, इतना ज़्यादा इंग्लिश में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं हमेशा उसे समझाता रहता था, उसको बताता था जस्ट डोंट वरी। उसको कुछ सजेस्टेड हमने दिए थे वोकेबलरी, दिन रात बहुत बार होता था कि वो रात में आता था और बोलता था चलो सर पढ़ते हैं। रात को 1 बजे 2 बजे हम स्टार्ट करते थे, उसको वोकेबलरी बस रटाना चालू करते थे। मैं कोशिश करता था हमेशा एक शॉर्टकट रास्ता उसे प्रोवाइड किया जाए। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर मोर देन 8,50,000 वर्ड्स, 8 लाख से ज़्यादा शब्द होते हैं, बट हमें हमेशा NDA हो, CDS हो, FCAT हो, टेरिटोरियल आर्मी, सारे जगह से मैंने निकाला वोकेबलरी उसको दिया। मैंने बोला बेटा पहले इतना रट, जब इतना हो जाएगा उसके बाद आगे देखेंगे। एंड बिलीव मी सर, उसने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, उसको लग रहा था कि इस बार वो रिजल्ट निकालेगा। एंड होपफुली जैसे हमने सोचा था वैसा ही हुआ और इस साल उसने रिजल्ट निकाला। सो अगर आप सोचते हैं कि आपसे NDA नहीं हो पाएगा, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है। बिलीव इन यू, हैव फेथ इन यू। सो जस्ट बिलीव इन यू, हैव फेथ इन यू, रिजल्ट्स आपको मिलेगा। जस्ट आप करते रहिए, निरंतर प्रयास करते जाइए, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।